हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये कल मैंने सॉन्ग सुना है, बड़ा ज़बरदस्त सॉन्ग आया है। और 6x4 में, 6x4 मतलब टाइम सिग्नेचर जो है इसका वो 6 बीट का है। और नॉर्मली जो 6 बीट के सॉन्ग होते हैं वो ज़्यादातर बड़े कैची होते हैं, अगर माइनर स्केल में बने तो और ज़्यादा कैची होते हैं। तो ये भी माइनर स्केल का सॉन्ग लग रहा है। और जैसे भीगी भीगी सी रातें आया था गैंगस्टर का, इट वॉज सुपर डुपर हिट। और बहुत सारे गाने हैं जो 6x4 में। तो इसके कॉर्ड्स फिगर आउट करते हैं और कुछ चीज़ें इसकी मैं अभी कुछ फिगर आउट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? मुझे सुनने में तो माइनर स्केल लग रहा है, लेकिन इसको ढूंढते हैं कहाँ से आ रहा है और फिर मैं थोड़ा सा प्ले करते हैं इसको। इंट्रो बड़ा अच्छा है। ए माइनर स्केल है। अच्छा, बेसिक स्ट्रक्चर पता चल गया सॉन्ग का। इट्स एन ए माइनर स्केल, ठीक है? ए माइनर स्केल में सॉन्ग है। सारी वाइट कीज, ठीक है? और चलो पहले इंट्रो देखते हैं, इंट्रो फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। बड़ा खूबसूरत पियानो का इंट्रो इसमें बजा हुआ है। अच्छा जी, इसका फर्स्ट पार्ट मैंने फिगर आउट किया है। इस पियानो इंट्रो में, मतलब पियानो जो इंट्रो है इसका, इसमें फोर फोर सेगमेंट्स हैं, ठीक है? फर्स्ट सेगमेंट क्या है वो इस तरह है। ये नोट्स हैं, 7 नोट्स हैं, ठीक है? इस तरह बजाना है आपने, ठीक है? इट्स काइंड ऑफ एन आरपेजियो, ठीक है? जो भी आप फिंगर्स हिट कर रहे हैं, तो नोट्स हिट कर रहे हैं लेफ्ट हैंड के, वो एक दफा हिट करेंगे तो उसको हिट ही रहने देना है, ठीक है? ताकि वो एक सस्टेन का फील आता है। अच्छा, ठीक है, मैं नोट्स आपको बताता हूँ। फर्स्ट पार्ट के आप लेने A2, यानी सेकंड ऑक्टेव का ए, ठीक है? पिंकी से, लेफ्ट हैंड पिंकी से आप ले रहे हैं A2। और E3 यानी थर्ड ऑक्टेव का E3 आप ले लें अपना इंडेक्स फिंगर से, लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर से। इन दोनों को प्रेस ही रखना है, लेकिन अलग अलग बजेंगे, पहले ए फिर ई। उसके बाद आप थंब से ले लें बी राइट हैंड, फिर आप राइट हैंड ले लें, राइट हैंड के थंब से B3, ठीक है? और उसके बाद राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर से आप ले रहे हैं C4, यानी फोर्थ ऑक्टेव का C, ठीक है? ये 4 नोट्स कैसे। उसके बाद आप रिंग फिंगर से, राइट हैंड की जो रिंग फिंगर है उससे E3 लेना है आपने, और E4 लेना है, यानी फोर्थ ऑक्टेव का E, ठीक है? अब देखें, ठीक है? उसके बाद आखिरी 2 नोट्स कौन कौन से हैं, फिर आप वापस थंब लेंगे, मतलब B3 लेंगे आप, जो आपका थंब ऑलरेडी सेट हुआ है, ठीक है? ये आपने ले लिया। और लास्ट नोट है G, यानी G4, G फॉर गॉड, मतलब फोर्थ ऑक्टेव का G आपने पिंकी से लेना है, ठीक है? ये 7 नोट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? इसकी स्लो स्लो प्रैक्टिस करेंगे तो ये आराम से हो जाएगा। ये एक्सेंट चाहिए बजाने में, ठीक है? सॉरी, ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। तो सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। ओके जी, तो सेकंड पार्ट जो है वो इस तरह से आ रहा है कि आपने लेना है, मैं आपको पहले प्ले करके दिखा देता हूँ। इसमें भी 7 नोट्स लेने हैं आपने, ठीक है? और ये किस तरह आ रहा है, ये सेकंड पार्ट है। ये किस तरह, पोजीशन वही है लेकिन अब नोट्स चेंज हो जाएंगे। अब आपने लेना है F2, यानी सेकंड ऑक्टेव का F, वो आपने पिंकी से लेना है। फिर C3, जो मिडिल सी होता है हमारा, C3 आपने लेना है, यानी थर्ड ऑक्टेव का C इंडेक्स फिंगर से। उसके बाद आपने
जी थ्री लेना है, थर्ड ऑक्टेव का जी थंब से। फिर आपने ए थ्री लेना है इंडेक्स फिंगर से। फिर रिंग फिंगर से आपने लेना है C4। ठीक है, अब यहां तक देखें आप, ठीक हो गया। उसके बाद लास्ट टू नोट्स, थंब आपने जहां रखा हुआ है जी, ये आपने दोबारा लेना है G3। और फिर पिंकी से आपने E4 लेना है, E4 पिंकी से। ठीक है, ये नोट्स हो गए, ऐसे हो गए। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम बजा रहा हूँ, तो मुझे भी थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होगी। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट बजाने की कोशिश करते हैं हम। आपने इस तरीके से प्रैक्टिस स्लो स्लो प्रैक्टिस करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। कोई भी चीज़ प्रैक्टिस करनी हो ना, हमें कोई भी मुश्किल से मुश्किल ड्रिफ्ट भी होती है, उसको आसान हम बना सकते हैं। आप उसको टेम्पो बिल्कुल गिरा के प्रैक्टिस करें। कैसे? इस टेम्पो में प्रैक्टिस करें। 1 2 3 4 5 6 7 इस टेम्पो में प्रैक्टिस करें, यह आहिस्ता आहिस्ता आपके हाथ में सेट होता जाएगा। पार्ट्स हो गए इसके। ओके जी, तो थर्ड मैंने पार्ट फिगर आउट किया है अभी, वो किस तरह है। अब ये सेकंड ऑक्टेव से फर्स्ट ऑक्टेव पे मूव कर जाएगा। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट टिल थर्ड, अब यहाँ तक आते हैं इसको प्ले करना। ठीक है, तो अब ये पहले सुन लें थर्ड पार्ट कैसे बजाया है इसने। ये है थर्ड, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो लेफ्ट हैंड की पोजीशन है, थोड़ा सा आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा अपने हाथ को, क्योंकि इसमें जो नोट्स लेफ्ट हैंड से, जो मतलब मुझे जो नोट्स सुनाई दे रहे हैं, तो पोजीशन मेरे ध्यान में यही बन रही है कि A1 आपने लेना है। A1 यानी फर्स्ट ऑक्टेव का A पिंकी से आपने लेना है। ठीक है, उसके बाद इंडेक्स से आपने लेना है E2 और थंब से आपने लेना है B। थंब से आपने लेफ्ट हैंड, ये तीनों जो नोट्स हैं वो लेफ्ट हैंड से बजेंगे, यानी B2 आपने थंब से लेना है। ठीक है, उसके बाद राइट हैंड का काम आता है। राइट हैंड में आपने फिर उसके बाद ये तीन नोट्स बजाने के बाद, अब आप C3 लेंगे, यानी मिडिल C लेंगे आप राइट हैंड के थंब से। ठीक है, उसके बाद आपने रिंग फिंगर से, राइट हैंड के रिंग फिंगर से आपने G3 लेना है, G3। ठीक है, G3 के बाद आपने जो आपका लेफ्ट हैंड ऑलरेडी सेट हुआ वो होगा B2, क्योंकि जो नोट्स हम प्ले कर रहे हैं उनको हमने उठाना नहीं है, सस्टेन देना है। इस तरह जो नोट प्रेस हो गया वो प्रेस ही रहेगा पूरे पार्ट में। ठीक है, तो G3 के बाद आपने थंब आपका ऑलरेडी सेट है लेफ्ट हैंड का, B2 ये आपने दोबारा हिट करना है, और लास्ट नोट आपने लेना है B3 पिंकी से। ठीक है, B3 मतलब थर्ड ऑक्टेव का B। तो ये कैसे बजेगा, ये थर्ड पार्ट है इसका। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो एक दफा शुरू से हम बजा के देखते हैं कि किस तरह का फील आ रहा है। तीन पार्ट हो गए, फोर्थ पार्ट जो है वो बेसिकली सेकंड पार्ट को ही रिपीट किया हुआ है, यानी एफ वाला जो पार्ट था ना आपका, जो हमने सेकंड पार्ट किया वही फोर्थ पार्ट है। ठीक है, ये है इसका जो आरपीजीओ कह लें, इसकी इंट्रो रिफ कह लें, इंट्रो कह लें इसका। ठीक है, तो ये इसका इंट्रो है, बहुत ही खूबसूरत इंट्रो है। तो इसके चार पार्ट्स अब आप किस तरह बजाएंगे, थर्ड पार्ट थोड़ा
मुश्किल है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज़्यादा। ठीक है, ये इसका इंट्रो है, इसको आप इजीली यू कैन प्रैक्टिस, इजीली यू कैन प्रैक्टिस एंड यू कैन प्ले दैट। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा कॉर्ड्स की तरफ और जो लिरिक्स हैं इसके उसको, और हम कोशिश करते हैं कि राइट हैंड से हम मेलोडी भी इसकी प्ले करें तो वी वुड एंजॉय दैट। ओके गाइस, इसकी जो मेलोडी लाइन है, फर्स्ट लाइन हम देखते हैं, ये इसकी फर्स्ट लाइन है मेलोडी लाइन। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, आप अच्छा आपके पास नोट्स जो है वो ऊपर लिखे नजर आ रहे होंगे, तो मेरा तरीका क्या है, मैं वर्ड को डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, अब जैसे तुझ अलग हो जाएगा और को अलग हो जाएगा, तुझको बना दूं एक ही वर्ड है, लेकिन इसको मैंने तीन सिलेबल्स में डिवाइड किया, ब ना दू। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन में मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी लाइंस में आई विल जस्ट सिंपली प्ले द मेलोडी। ठीक है, और आपको खुद उसको फिर थोड़ा पॉज कर करके देखना होगा कि कौन कौन से नोट्स में प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अब देखो अपना के कितने सिलेबल्स बन गए, कितने नोट्स बन गए, अपना 5 नोट्स है अपना। ठीक है, इस तरह आपको जो है ना वो वर्ड्स जो है वो डिवाइड होते हुए नजर आएंगे, तो उससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, वो डिवीजन होती है, वो बेसिकली इंटोनेशन होती है, जो सुर हैं ऊपर नीचे जा रहे होते हैं, तो हर सुर को मैं कोशिश करता हूँ कि एलेबोरेट करूँ और उसको आपको आसानी से समझ आ जाए चीज़। ठीक है, तो हर वर्ड जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा और बाकी सिलेबल्स उसके जो हैं वो स्मॉल लेटर्स में होंगे, तो ये भी एक आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, तो अब फर्स्ट लाइन आपको आई होप समझ आ गई होगी। अच्छा, फिंगर ऑर्डर जो है, फिंगर ऑर्डर आप अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नज़र आ रहा है यहाँ क्लियरली तो आप फॉलो कर लीजिए, वरना आप अपनी मर्जी से भी फिंगर ऑर्डर रख सकते हैं। बस मैं चाहता हूँ कि कोई आपकी फिंगर रिपीट ना हो, मतलब कुछ लोग ऐसे बजाते हैं ना इसे, ये गलत स्टाइल है। तो पियानो जो बजता है वो बेसिकली बेस वैसे तो दो हाथ से ही बजता है, राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड से हम कॉर्ड बजा रहे होते हैं और राइट हैंड से हम वो बजा रहे हैं। ठीक है, तो आपको कॉर्ड भी नज़र आ रहे होंगे लिखे हुए और आपको मेलोडी लाइन भी मैं लिख दूंगा ताकि आपको आसानी से साफ यू कैन ईजी प्ले द सॉन्ग। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ फर्स्ट लाइन में आपको बिल्कुल एलेबोरेट करके बता रहा हूँ। ठीक है, कहीं कहीं आपको जो है वो हो सकता है कि क्योंकि वीडियो है, यूट्यूब है, इसमें बहुत सारी चीज़ें कभी कभी समझ में नहीं भी आती। ठीक है, तो आप उसको थोड़ा पॉज करके देखेंगे, थोड़ा सा अपना सेंस यूज़ करेंगे, लिसनिंग हो सकता है कुछ लोगों की अच्छी हो तो वो बहुत जल्दी भी पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें बड़ी जल्दी जल्दी बजेंगी, अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा लाइन बाय लाइन। तो नेक्स्ट लाइन की तरफ चलते हैं। ओके, सेकंड लाइन है इसकी, सेम नोट्स हैं, बांधू तुझको मन्नत बना लू। इस तरह बजेगी लाइन, धागा एक बांध तुझको मन्नत बना लू।
स्लो करके बजा के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, और इसके कॉर्ड्स आपके पास लिखे आ रहे होंगे। अच्छा, कॉर्ड की एक टाइमिंग होती है। ठीक है, कॉर्ड ऐसा नहीं कि आप कहीं भी बजा देंगे, एग्जैक्ट सेलेबल जो होता है उसके ऊपर कॉर्ड बजता है। ठीक है, और अगर आपको रिदम सेंस है तो रिदम के ऊपर कॉर्ड्स बजते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये इस तरह से पहले एफ ए माइनर लगाया, फिर एफ, ओके, नेक्स्ट लाइन चेक करते हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन भी सेम है, ठीक है, दोनों लाइन सेम बजेगी। ओके, अब जो इसका कॉरस का जो मेन पार्ट है वो किस तरह है, विदाउट वोकल्स देखें, अरे इसके कॉर्ड्स क्या होंगे, देखेंगे वीडियो पॉज कर करके, तो आपको उम्मीद है कि समझ आ जाएगा। आई ऑल्सो नीड प्रैक्टिस ऑन दैट, तो ये कि मैं भी इसकी प्रैक्टिस करूँगा और आप लोग भी इसका जो है पार्ट जो है ये प्ले करके देखें, इट विल बी वेरी यूजफुल, बहुत मज़ा आएगा। ओके गाइज, तो अब तक सिर्फ इतना ही करते हैं आज के लिए, और इंशाल्लाह टाइम मिला तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड करूँगा, जो अगला इसका जो पार्ट है। तो आप लोग पहले इस इतनी प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद फिर इसको देखते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज़।